Sir, heavy fluctuation. समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from TradingFab.in. आज 7th अगस्त 2019 वेडनेसडे है. सुबह के 8:16 हो रहे हैं. कल हमने देखा एक पॉजिटिव कमबैक पुलबैक निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला, लेकिन क्या ये अभी यहाँ से और आगे सस्टेन होगा? कल हमने राज्यसभा में कश्मीर का बिल था वो पास होते हुए देखा, तो लोकसभा में तो मेजॉरिटी थी, वहाँ पर तो पास होना ही था, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ था. और उसके बाद जो चाइना का करेंसी का काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी, उसके बारे में चाइना ने एक क्विकली स्टेटमेंट दिया कि वो उनकी बैंक सेंट्रल बैंक इसके ऊपर अभी काम कर रही है. तो दोनों पॉजिटिव खबरों के बाद मार्केट कुछ संभला और ऊपर आने की कोशिश कर रहा था. अभी एक बुलिश पैटर्न ये निफ्टी इंडेक्स में क्रिएट हुआ है. उसके बारे में हमने और एक वीडियो क्लियरली सेपरेट वीडियो बनाया है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा. तो क्या है वो बुलिश पैटर्न, वो हम एक बार आगे देखेंगे. लेकिन उससे पहले अपस्टॉक्स का एक इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं. अपस्टॉक्स एक डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है. अगर आप इसमें हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो ट्रेडिंग फैब की जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको फ्री में लाइफ टाइम के लिए मिल सकता है. और एक बात है, ये फैब 200 का प्रोमो कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको 200 रुपीज़ का ब्रोकरेज डिस्काउंट मिलेगा. ये 15 अगस्त तक ही ये ऑफ़र शुरू है. और जैसे कि आपको अगर लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है हमारे पार्टनर आईडी के अंडर, तो आपको सिंपली हमारे वेबसाइट के ऊपर जाना है. और यहाँ पर तीनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है. आप चाहे तो जीरोधा में या फिर अपस्टॉक्स या फिर फाइव पैसा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं. अपस्टॉक्स का अभी फिलहाल ऑफर चल रहा है 15 अगस्त तक. तो यहाँ से आपको सिर्फ करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है. तो जैसे ये पेज ओपन होगा, आपका ईमेल एड्रेस कोई भी पासवर्ड बना दीजिए और आपका मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर साइनअप करना है. जैसे ही आप साइनअप करेंगे तो उनके डीमैट अकाउंट से आपको कॉल आ जाएगा और आगे की अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी. और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपको हमें कॉल करना है ताकि हम क्लाइंट आईडी को वेरीफाई कर सके और आपको प्रीमियम चैनल्स में ऐड कर सके. ठीक है, तो ये अपस्टॉक्स के बारे में जो ऑफर इसका चल रहा था उसके बारे में मैं बता दिया आपको. सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 6 अगस्त आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी. आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है मार्केट में मूव. तो यहाँ पर कल के हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,894 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,826. तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है. ब्रेकडाउन लेवल के पास ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और यहाँ से ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ बाउंस बैक हुआ. और इसके बाद जैसे ब्रेकआउट लेवल ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 10,925 ये यहाँ पर अचीव हुआ और इस लेवल को काफ़ी रिस्पेक्ट किया है इसने काफ़ी देर. और फिर से एक बार नीचे आकर ये ब्रेकआउट लेवल का एकदम एक्सट्रीम सपोर्ट यहाँ पर टेस्ट करके फिर से बाउंस बैक हुआ. और हमारा सेकंड टारगेट भी यहाँ पर 10,960 ये भी यहाँ पर अचीव किया. इस लेवल को भी काफ़ी देर तक ये पेनेट्रेट कर रहा था और ये ब्रेक करने के बाद और भी ऊपर की तरफ ये मूव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 45,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट की हालत देख लेते हैं. कल यूएस मार्केट हरे निशान में बंद हुए. नास्डैक 107 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ. यूरोपियन बाजार देखे तो वहां पर कमजोरी दिखाई दी. और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो एसजीएक्स निफ्टी 46 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. निक्केई जापानीज इंडेक्स 167 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. और चाइना मार्केट और ताइवान मार्केट यहाँ पर हल्के से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर अभी भी बना हुआ है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पर 151 पॉइंट की गिरावट के साथ डाउ फ्यूचर में यहाँ पर ट्रेड होते हुए नजर आया. लेकिन जो स्पॉट इंडेक्स थे नास्डैक और डाउ जोन्स ये बढ़त के साथ बंद हुए थे, हालांकि बाद में डाउ फ्यूचर गिरावट के साथ यहाँ पर काम कर रहा था. तो ये ग्लोबल मार्केट से तो थोड़े मिले जुले संकेत आ रहे, प्रेशर अभी भी बना हुआ है, ट्रेड वॉर को लेकर काफ़ी सहमा सा ग्लोबल मार्केट दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि वीकली चार्ट में हमने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था और इसका 61.8% का लेवल 10,806 के पास आ रहा था और उसी के पास ये 100 EMA का ग्रे लाइन भी आ रहा था। तो दोनों लेवल्स, दोनों जो कि टूल्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल और ये मूविंग एवरेज, तो ये सेम लेवल के पास आ रहा है। तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा था, तो यहाँ से कल बिग बाउंस बैक देखने को मिला है। अभी ये डाउन ट्रेंड में ही है, यहाँ से वीकली चार्ट के हिसाब से यहाँ पर अभी अपसाइड मूव आने के लिए अभी कोई कंफर्मेशन या सिग्नल नहीं मिल रहा। ऊपर जाते वक्त इसे 11,050 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, अगर ये ब्रेक होता है तो ऊपर में ये जो ब्लू लाइन है ये अराउंड अभी 11,200 के पास आ रहा है, ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होगा। और नीचे अगर ये 100 EMA को ब्रेक करता है यानी 10,760 को, तो नीचे 10,500 जो कि एक कंसोलिडेशन फेज, कल के वीडियो में हमने इसे एक्सप्लेन किया था। इसका जो लोअर बैंड है जो 10,500 के पास आ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल बन सकता है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो। अगर यहाँ से अपसाइड बाउंस बैक आता है तो हम इस डाउनफॉल का अगर रिट्रेसमेंट निकाले, फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाले, तो यहाँ पर ऊपर देखें तो 11,994 के पास 23.6 का लेवल आ रहा है। तो 11,100 ये फर्स्ट, यहाँ पर 11,050 के बाद 11,100 के पास रेजिस्टेंस हो सकता है अगर कल का हाई अगर ब्रेक करता है तो ये वीकली चार्ट के हिसाब से अभी एनालिसिस। चलते हैं डेली चार्ट पे। ये है डेली चार्ट। डेली चार्ट में जैसे कि शुरू में हमने कहा एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, इसके ऊपर हमारा वीडियो भी है स्पेशली, उसका लिंक आपको यहाँ ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल पैटर्न बना है, यानी जब भी डाउन ट्रेंड में एक बियरिश कैंडलस्टिक के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक आता है और उसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर रहता है, तभी इसे पिवट बार रिवर्सल पैटर्न कहा जाता है। तो जब भी पास्ट में ऐसा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हुआ है तो क्या हुआ है ये देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस लेवल के पास, यहाँ पर मैं मार्क कर देता हूँ, ये यहाँ पर ये डाउनफॉल आया और उसके बाद बियरिश कैंडलस्टिक के बाद ये बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हुआ और इसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के हाई और लो क्लोज के ऊपर है और यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रेमेंडस अपसाइड मूव हमें देखने को मिला। और एक पैटर्न देख लेते हैं, ये यहाँ से ये डाउन साइड मूव चल रहा है, यहाँ पर ये डाउन साइड मूव चल रहा है और उसके बाद ये बियरिश कैंडलस्टिक के बाद यहाँ पर ये बुलिश कैंडलस्टिक फॉर्म हुआ और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रेमेंडस अपसाइड मूव हमने देखने को मिला। तो ये पिवट बार रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस एक्शन का ये पैटर्न है, बुलिश पैटर्न ये फॉर्म हो चुका है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये फॉल आ गया था, उसके बाद बियरिश कैंडलस्टिक के बाद ये बुलिश कैंडलस्टिक आया जिसका हाई लो और क्लोज प्रीवियस कैंडल के ऊपर था और उसके बाद यहाँ पर सुपर अपसाइड मूव देखने को मिला। तो ये पैटर्न अभी फिर से एक बार फॉर्म हो चुका है, लेकिन इसमें एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, वो है कि इसने जो हाइज बनाया था उसके यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज हुआ, यानी ऊपर में इसने टेल छोड़ दिया है। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल इसे कहा जाएगा क्योंकि 50% का इसका जो ये हाई और लो का रेंज था इसके ऊपर इसका बॉडी क्लोज हुआ है, तो इसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही कहा जाएगा। लेकिन जब तक इसका हाई कंफर्टेबली ये ब्रेक नहीं करता तब तक हमें यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। पैटर्न तो बुलिश बना हुआ है, प्रीवियस कैंडल भी हैमर कैंडलस्टिक था जो कि बुलिश पैटर्न का सिग्नल देता है। डाउन ट्रेंड में जब भी हैमर कैंडलस्टिक आता है तभी यहाँ से अपसाइड मूव का एक सिग्नल, एक गुंजाइश यहाँ पर क्रिएट होता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल 4 ट्रेडिंग सेशन से हम लोग देख रहे थे कि बुलिश पैटर्न यहाँ पर बन रहा था कैंडलस्टिक का, जो कि बॉटम में बुल्स का एंट्री हो रहा था, बुल्स बेयर्स के ऊपर हावी हो रहे थे और ऊपर आके मार्केट क्लोज हो रहा था। लेकिन जो पैटर्न बन रहा था लोअर हाइज लोअर लो का, जो कि डाउन ट्रेंड का पैटर्न है, इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो अभी यहाँ पर पिवट बार रिवर्सल का पैटर्न बन चुका है, बुलिश पैटर्न है। तो देखते हैं यहाँ से अपसाइड मूव कहाँ तक आ सकता है। हालांकि ग्लोबल मार्केट हमने देखा कि काफ़ी अभी भी प्रेशर में है, तो हो सकता है फिर से ये टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करे और इसका ये जो सपोर्ट लेवल था 61.8% का, वो सपोर्ट लेवल फिर से एक बार टेस्ट करे और फिर एक बार बाउंस बैक दिखाए। तो यहाँ पर अभी बुलिश पैटर्न बना हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। चलते हैं इंट्राडे स्ट्रैटेजी बनाते हैं 60 मिनट के चार्ट के ऊपर। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। कल हमने देखा ये जो लेवल है, कल का इसने ये जो हाई बनाया है, इसके यहाँ पर ही इसने पास्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था और यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक हुआ था। तो एग्जैक्ट कल ये जो हाई है ये अभी 50 EMA के पास आ रहा है, 60 मिनट के चार्ट में 50 EMA के पास आ रहा है और उसके ऊपर तुरंत R1 का ये रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये लेवल को कंफर्टेबली अभी ब्रेक करने दीजिए, 11,039 को ब्रेक करने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,000, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,078, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 11,131, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये जो लास्ट हाफ एन आवर में बियरिश कैंडलस्टिक बना है, इसका लो और पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है सेम यहाँ पर एग्जैक्ट आ रहा है और वो 20 EMA के ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का, इसके नीचे आ रहा है। तो 10,926 को ब्रेक होने दीजिए, तो ये इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,883, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा 10,860, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी इंडेक्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस YouTube चैनल को आपको दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।